चंडी देवी का मंदिर हमारे 52 सिद्ध पीठों में से एक है, जो उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में स्थित है। चंडी देवी का मंदिर हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वता श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों की पूर्वी शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। चंडी देवी का मंदिर सिद्ध पीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मंदिर दर्शन की एक और कड़ी में। नवरात्रों की ढेर सारी बधाई आप सभी को। आज हम एक और देवी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। ये देवी का मंदिर हरिद्वार में ही स्थित है। हरिद्वार से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंडी देवी का मंदिर। ये एक सिद्धपीठ है और बहुत जाना माना मंदिर है। श्रद्धालु अलग अलग जगहों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हम भी आ गए हैं चंडी देवी माता के दर्शन करने के लिए। चंडी देवी माता के मंदिर आप दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है ट्रैक का, यानी चढ़ाई का। अगर आप ट्रैक करने के शौकीन हैं या फिर चढ़ना आप पहाड़ों पर पसंद करते हैं, तो यस, आप जा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई है। लेकिन अगर आप बुजुर्गों के साथ हैं या फिर ज्यादा चढ़ना ज्यादा ट्रैक करना नहीं पसंद करते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप रोप वे से जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 150-200 रुपये है। तो आप रोप वे से जा सकते हैं और देवी माता के दर्शन कर सकते हैं। चंडी देवी के जो प्रांगण में जब हम एंटर हुए हैं, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा कैफेटेरिया सा है। खाना पीना आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं। हम लोग इस बार हमने सोचा कि क्यों ना रोप वे से ही ट्रैवल किया जाए, ट्रैक से नहीं। तो हम रोप वे से जाने वाले एंटर हो गए हैं। बस हम टिकट ले रहे हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे रोप वे से माता के दर्शन करने के लिए। अगर पहली बार आप रोप वे से जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डर लग सकता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप नीचे ना देखें, पीछे ना देखें, जहां से आ रहे हैं वो ना देखें, क्योंकि और ज्यादा घबराहट होगी। लेकिन अगर आप रोप वे में पहले भी जा चुके हैं, तो शायद इतना ज्यादा डर ना लगे। स्पेशली ये पूरा लॉक होता है, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। हम लोग आ गए हैं सेफली। लेकिन यस, मैं बता दूं कि ऐसा डरने वाली बात नहीं है। अभी हमने उनकी टीम से भी बात की, पावर कट की वजह से थोड़े कुछ 1-2 मिनट रुक गए थे, लेकिन सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है हर चीज का। और खुदा ना खास्ता कभी रुक भी गया तो भी उनके पास बैकअप प्लान होता है, तो डरने वाली बात नहीं है। रोप वे से उतरने के बाद लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर ही चंडी माता का मंदिर स्थित है। तो अब हम बस थोड़ा सा चल रहे हैं और चंडी माता का मंदिर सामने नजर आता है। चलते हैं। चंडी माता के मंदिर में एंटर होते हुए ये इतना सुंदर दिख रहा है। लाल चुन्नियाँ, पता नहीं करोड़ों चुन्नियाँ बांधी गई हैं। हर कोई आता है, श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, एक कोई मन्नत मांगते हैं, घर में सुख शांति या कोई भी चीज़ मनोकामना मांगते हैं, और यहाँ ये चुन्नी बांध देते हैं। और मान्यता है कि जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है, और पूर्ण हो जाती है तो लोग यहाँ पर आके ये चुन्नी खोलने भी आते हैं। तो ये मंदिर दर्शन की थाल हो गई है तैयार। फूल भी है, नारियल भी है, माता की चुन्नी भी है, हमारे पास श्रृंगार का सामान भी है, धूप भी है, घी का दिया है, साथ ही प्रसाद। तो ये पूरी थाल हमारी तैयार हो गई है और ये थाल अब जा रही है चंडी मंदिर के द्वार पर। तो चलते हैं। जय माता दी। नवरात्रों में यहाँ विशेष रूप से मेले का बड़ा भव्य आयोजन भी होता है, जिसमें दूर दूर से भक्त माता रानी के दर्शन हेतु आते हैं। मैं यहाँ चंडी देवी मंदिर में पुजारी के तौर पर नियुक्त हूँ। यहाँ पे माता जी को आप देख रहे हैं, अंदर दो स्वरूप है, एक क्रोध रूप है माता जी का, एक शांत रूप है माता जी का। अच्छा। जो क्रोध रूप है उनका नाम रुद्रचंडी है, जो खम्भ रूप में स्तंभ रूप में माता जी है, और जो शांत रूप है माता जी मंगल चंडी रूप में पिंडी स्वरूप में अंतर जाए पिंडी स्वरूप में। यहाँ पे माता जी ने चंड मुंड का जब वध किया था, उसके बाद माता जी इस पर्वत पे शांत होने के लिए। इस पर्वत का नाम नीलगिरी पर्वत आता है, जो पुराणों में वर्णन किया जाता है, नीलगिरी पर्वत नाम से है। इस पर्वत में माता जी ने आके कुछ टाइम विश्राम किया, उसके बाद माता जी पिंडी स्वरूप में अंतर ध्यान हो गई थी। बस ये है यहाँ पे पिंडी स्वरूप में अंतर ध्यान, उसके बाद माता जी ने शांत रूप में वहाँ पे माता जी ने दर्शन दिए इस पर्वत में। मनोकामना के लिए बांधी जाती है चुन्नियाँ, जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है तो आस्था है श्रद्धा है लोगों की, उसके लिए चुन्नी बांधते हैं, फिर पूरी होती है तो फिर चुन्नी खोलने आते हैं।
माँ दुर्गा माँ चंडी माता यहाँ पर इस पर्वत में पर्वत नील में यहाँ विश्राम करने आई और इसी वजह से इस मंदिर का निर्माण हुआ जहाँ पर माँ ने विश्राम किया था। देवी माता के इस मंदिर में इस परिसर में चार मंदिर और हैं। पहला मंदिर है अन्नपूर्णा माँ का जो भोजन की देवी मानी जाती है, दूसरा मंदिर है भद्रकाली का, तीसरा मंदिर है भैरव बाबा का। माना जाता है कि देवी के दर्शन पूरे नहीं होते जब तक भैरव बाबा के आप दर्शन न कर लें। चौथा और आखिरी मंदिर है हनुमान जी का। तो आए माँ के साथ साथ और देवी देवताओं के भी दर्शन जरूर करें। यहाँ मंदिर की एक और खास बात है, मंदिर से पूरा हरिद्वार नजर आता है। तो जब चंडी माता के मंदिर के दर्शन के लिए आए तो यहाँ जो व्यू है जरूर वो देखें क्योंकि बहुत ही कमाल का है, पूरा हरिद्वार आप देख सकते हैं। चंडी माँ के मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ सामने अंजना माँ का मंदिर भी है। अंजना माँ हनुमान की माँ है और उनके दर्शन करना भी बड़ा जरूरी माना जाता है। तो अभी यहाँ माँ के दर्शन के बाद दूसरी माँ अंजना माँ के दर्शन हम यहाँ करने जा रहे हैं, चलते। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माना जाता है कि माँ चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुज्जत सिंह ने कराया था, लेकिन इसके साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि मंदिर में मौजूद मूर्ति 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा ही स्थापित की गई है। सारी जी, यहाँ अंजना माता का मंदिर क्यों है? क्योंकि बहुत ही हिंदुस्तान में बहुत ही कम होता है। हाँ, जहाँ अंजना माँ का मंदिर है ये वो स्थान है जहाँ पे हनुमान जी गर्भ में आए थे। अच्छा। तो ये माता जी की तपस्थली है और यहाँ माता जी को पुत्र की प्राप्ति भी, तो इसलिए कोई भी हो, कोई भी भक्त, हमारे सामने कई ऐसे भक्त आए हैं कि जिन्होंने बोला कि पंडित जी कई साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक हमारे मतलब कोई बाल गोपाल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आए तो माता जी के यहाँ मत्था टेका दरबार में। तो उसके बाद अब बहुत सारे ऐसे कि जिनके बच्चे हो गए, बहुत बच्चे हो गए। अच्छा। जो भी मतलब आता है, जो अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना निश्चित पूरी होती है, ये हमने देखा हुआ है। ये पंडित जी ये क्या है, ये सिक्के? ये माता का बरकत होता है, माता का ना थाली का सिक्का। अच्छा। घर में बरकत है माता का। अच्छा, तो इसको कहाँ रखते हैं इन सिक्कों को? पूजा वूजा का स्थान में रखते हैं, जाए पैसा वैसा रखते हैं माता का। अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह है ना घर में जी, सेवा के रूप में। अच्छा। चंडी देवी के दर्शन के बाद वहाँ श्रद्धालुओं से भी हमें मिलने का अवसर मिला। ये सभी लोग सहारनपुर के थे और उन्होंने वहीं पर हमें शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए आमंत्रित भी कर दिया। चंडी देवी का जो पूरा मंदिर का प्रांगण है बहुत ही अच्छा है, उसके साथ साथ जब आप यहाँ अंजना देवी के दर्शन करने आते हैं माता के, उसके साथ साथ यहाँ से जो पूरा व्यू भी है, थोड़ी देर आप यहाँ पर बैठें, बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा, जैसे इस वक्त हमें हो रहा है। थोड़ी देर बैठें, थोड़ा आप ध्यान कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, थोड़ी देर कुछ ना बोलकर बस अपने साथ वक्त बिता सकते हैं। बहुत अच्छा आपको एहसास होगा, बहुत अच्छी फीलिंग होगी। इसी थॉट के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद बहुत हमारा इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। जय माता दी।